साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने दिलों पर। साथियों बहुत ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सवाल और मैसेज आ चुके हैं, उस बाद में मेरा अनुमान बताने की कोशिश करूंगा। साथियों इसमें अब भी कह रहा हूं कि मेरा वास्तविक अनुमान है, ठीक है, मेरा जो मानना है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्यों करूंगा कि जो साथी मेरे से जुड़े हुए जो यूट्यूब पे टेलीग्राम पे इंस्टा पे जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कॉल आ रहे हैं तो उनको एक संतुष्टि को जवाब देना, जहां तक मेरा अनुमान है उनको जवाब देना। देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या अनुमान रह सकता है वर्तमान के आधार पे। 700 से 800 कमेंट आ चुके हैं साथियों, ठीक है। मैंने कल वीडियो डाला था कि अपने नंबर्स कैटेगरी के आधार पे करें और उसके आधार पे मैंने जो मेरी संभावनाएं हैं, ठीक है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा फाइनल आंसर की मिलाने के बाद में। क्योंकि जो होना है किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ, लेवल का हुआ, मीडियम हुआ, जो थोड़ा सा खराब हुआ, जो भी हुआ वो हो गया। लेकिन जो है अनुमान हमारे सामने है, तो मेरा अनुमान है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आगे क्या होता है, जो विवाद अंतिम निर्णय आएगा वही मान्य होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल में यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कम से कम 800 स्टूडेंट ये आशा रख रहे हैं कि सर हमें बताएंगे क्या अनुमान है। और साथियों संभावनाएं जो मैं बताऊं, तैयारी जो स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी है। अनुमान आपने देखा होगा रीट 2021 का अनुमान, सभी राजस्थान का ऐसा कोई भी टीचर नहीं था जिसने बता दिया कि इतनी कट ऑफ लेवल फर्स्ट की जाएगी। क्योंकि अनुमान वर्तमान में, क्योंकि वहां पे माइनस मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे माइनस मार्किंग है। पद की जो बात करें, लेवल की बात करें, पेपर का क्या लेवल रहा, उस आधार पे भी बात करूंगा। माइनस मार्किंग आधार सभी विवाद पे मेरा अनुमान मानना है, जो जितना अनुभव है जितना मैं बता सकता हूँ आपको बताने की कोशिश करूंगा। होना है वही जो आगे होगा, ये शर्त किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। एक सामान्य सी बात, आपको जो देखना है देखिए। अक्सर बहुत से साथ एक दो आगे कमेंट करते हैं कि सब अनुमान बता रहे हैं कि आपको क्या बता रहे हैं। जो मेरा अनुमान जो मानना है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपका जो मानना है कि नहीं मानना आपको देखना है, ठीक है साथियों। बहुत से साथी जो मेरे छोटे भाई बहन है जो मुझसे आशा रखते हैं, दोस्त मान लीजिए, छोटे भाई बहन मान लीजिए, सभी वो तो मेरा अनुमान है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस सभी में हो सकता है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन जो मेरा संभावना है सभी में प्लस माइनस मैं अभी भी शर्त रखता हूँ ये हो सकता है। संभावना मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी ध्यान रहे। मैं बात करूंगा सबसे पहले, उससे पहले सभी साथी इसको शेयर कर दें, ठीक है। आप भी चैनल पे नए हैं तो अभी आप सबसे जुड़ जाना, कंटिन्यू आपको क्लास स्टार्ट होने वाले साथियों, विशेष रूप से हिंदी पे मैं काम करूंगा। उसके अलावा आपकी जो कमेंट आएगी उस आधार पे क्लासेस लगने वाली है, तो निश्चित रूप से बहुत से साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारी कक्षा 6 से लेकर 10 तक क्लासेस है उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स थर्ड ग्रेड में देखने को मिला। आगे इसी प्रकार आपका सहयोग क्लास में बना रहा तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए बात करते हैं जनरल की, मैं यहाँ पे बताऊंगा इतने सब्जेक्ट की, ये जो कैटेगरीज हैं उसका मैं, ये जितने भी साथी देख रहे हैं उर्दू पंजाबी सिंधी, ये विशेष जितने भी कैंडिडेट है वो, और भोजपुरी सैनिक दिव्यांग तलाकशुदा विधवा, ये एक बार इस वीडियो में कमेंट कर देना। जो नए साथी इन सब्जेक्ट से हैं वो कोई भी कमेंट नहीं करेंगे इन सब्जेक्ट में, केवल ये जो कैटेगरी है चाहे तो ये कैटेगरी, उसके अलावा आपके जो उर्दू पंजाबी सिंधी ये सब्जेक्ट वाले, केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट है इतने ही कमेंट करें, ठीक है। आपकी इनमें क्या बन रहे, जो सामान्य कैटेगरीज हैं इनमें क्या बन रहे, मैंने आपको देख लिए हैं पीछे कमेंट्स में, 700-800 व्यक्तियों ने कमेंट किए हैं उस आधार पे। लेकिन ये विशेष रूप से इसमें कमेंट करें, एक अनुमान हमारा हो सके और एक अगले वीडियो में हम नॉर्मल बात कर लेंगे। एक ही बात करें जनरल की, अब इसमें आपको कम ज्यादा कर लेना है कैटेगरी के आधार पे, ठीक है। जो ओबीसी से है माइनस 2 लगभग किसी भी किसी सब्जेक्ट में कम ज्यादा भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस माइनस 3, एससी लगभग 6-7 नंबर कम कर सकते हैं, एसटी लगभग 9-10 नंबर, और एमबीसी 7-8 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी आधार पर मैं बात करूं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली कैटेगरी में क्या अनुमान रहा, कितना अंतर रहा इनमें, ठीक है। आप 2-3 भर्तियों का अनुमान देख सकते हैं, मैं देख के आपको बता दूंगा, एक अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा भी हम कर लेंगे। बात करूं मैं साथी लेवल फर्स्ट की, सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पूरी आंसर की पूरी पीडीएफ पूरे मास्टर पेपर सभी वहां पे उपलब्ध है। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है अपनी कलम अपनी आवाज, ठीक है साथियों। और विशेष रूप से वहां पे पूरी पीडीएफ आपको जो भी सुनना आती है वो सभी वहां पे मिल जाती है, प्रूफ सभी है, आपको कहां कहां पे ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं वो सभी प्रूफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज, वहां पे आप ज्वाइन करें, उसके अलावा सीधा कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां से भी जुड़ सकते हैं। टेस अपना ऐप है वो खुद का ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपनी आवाज नाम से ऐप है, और वही कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लेवल फर्स्ट का तो मेरा अनुमान है साथियों, ठीक है, ये अनुमान इन दोनों का मैं साथ में बताने की कोशिश करूंगा, ये दोनों का अनुमान यहाँ पे ही लगभग मेरा अनुमान है। अब प्लस माइनस इसके साथ में चलेंगे, ठीक है साथियों, प्लस माइनस होते रहेंगे, लेकिन जो मेरा अनुमान जो सा मुझे लग रहा है, एक दो ऊपर नीचे यहाँ पे अनुमान ये मेरा बैठ रहा है, ठीक है, 88-92 यहाँ पे लगभग ये अनुमान लग रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, इसमें कम ज्यादा आप कैटेगरी आधार पर कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान मुझे लग रहा है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए, दो गुना पहले कट ऑफ आएगी उसमें और कम आएगी, दो गुना की अलग बात करेंगे तो आएगी, ठीक है। एसएससी की बात करें, एसएससी में साथियों जो मेरा अनुमान है वो मैं आपको बताऊं, लगभग आपके 100 के आसपास है, 102 लगभग आसपास है, 100 के आसपास है, तो ये मेरा अनुमान यहाँ पे लगभग बैठ रहा है। इसमें कम ज्यादा यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, ये यहाँ पे अनुमान मेरा आ रहा है। इसमें कैटेगरी के आधार पर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 102-3 लगभग आप लगभग मान कर सकते हैं। हिंदी, हिंदी की बात करो साथियों, तो अनुमान जो आ रहा है 111-12 का आ रहा है साथियों, क्या आ रहा है, 111-12 का अनुमान आ रहा है। इसमें आप कम ज्यादा कैटेगरी के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुमान मेरा है और मैं मेरी संभावनाएं बता रहा हूँ, आपका क्या मानना है वो अलग अलग बात है, माने या ना माने, संभावनाएं हैं, आगे क्या होता है वो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा उस आधार पे। लेकिन बहुत से साथी 800 कमेंट आ चुके हैं उस आधार पे, मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो इंतजार कर रहे हैं साथी, बार बार कमेंट्स करेंगे सर आपने बताया नहीं, इसलिए अभी बात करो संस्कृत की। देखिए, संस्कृत का जो अनुमान है वो 110 पर यहाँ पे अनुमान लग रहा है, 110 के आसपास ये मेरा अनुमान है, इतना लगभग हो सकता है। बहुत से साथियों में बात करूँ कट ऑफ माइनस मार्किंग की बात करूँ, मैंने संस्कृत का उदाहरण भी दिया था पिछले वीडियो में, पिछली बार 114 थी जिसमें माइनस मार्किंग भी नहीं थी, पद भी लगभग आधे थे, पद भी डबल है, यहाँ से इससे ज्यादा मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, 108 के आसपास भी रह सकती है, ठीक है, ये आप मान कर चल सकते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी की बात करूँ साथियों, तो अंग्रेजी का अनुमान है वो यही आ रहा है कि 88-90 अनुमान है ये मेरा यहाँ पे लग रहा है, ये मेरा मानना है साथियों, ठीक है। अब उर्दू, पंजाबी, हिंदी है वो साथी कमेंट कर देना, तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक, इनके कितने बदलने कैटेगरी जो आपके है और सब्जेक्ट क्या है वो रख देना, कैटेगरी तो अपने आप आपकी हो जाएगी और सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेवल फर्स्ट सेकेंड, ठीक साथियों। अब आपका क्या मानना होगा, नहीं मानना, अनुमान है, कोई भी साथी एक्स्ट्रा नहीं कि आपने ज्यादा बता दी आपने कम बता दी, तो मेरा मानना है वो मैं बताने की कोशिश की है, बहुत से कमेंट आ रही है इसलिए बताने की कोशिश की साथियों। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव है या आपके कोई भी सवाल है, ठीक है साथियों, एक भाई की तरह एक दोस्त की तरह सुझाव दे सकते हैं, सवाल रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल आएंगे बहुत ज्यादा मुझे पता है, आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल हो वो हम बताने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, ठीक है। उसके अलावा कि अभी कंफ्यूज चल रहा है वो आप रख सकते हैं सवाल के माध्यम से, अगले वीडियो में विशेष रूप से हम बात कर लेंगे साथियों, ठीक है। जो ये इस कैटेगरी से वो डॉक्यूमेंट संबंधित कोई राय लेना चाहते हैं, कुछ सुझाव सवाल है वो रख सकते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा हिंदी के टेस्ट सीरीज मेरे यूट्यूब पर एक टेस्ट करवा रखे हैं, अपने ऐप पर मैंने टेस्ट करवाया हिंदी की टेस्ट सीरीज पूरी, ठीक है। राजस्थान जीके के भूगोल, इतिहास, संस्कृति से भी टेस्ट मैंने करवाया था, क्लियर किया, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, कोई भी आप किसी भी भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। संस्कृत के कोई भी साथी संस्कृत से हैं जिनको सामान्य संस्कृत आराम से समझनी है, सरल संस्कृत व्याकरण समझनी है, कोई भी आपके छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं जो कक्षा 10 में, 12 में, 8 में वो भी तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक, जिनको संस्कृत व्याकरण पढ़नी है, स्कूल अच्छी बात कर रहा हूँ या आप कंपटीशन एग्जाम की बात करें, संस्कृत है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना, किसी भी को आप बता सकते हैं यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है, संस्कृत बाय राम सर, क्या सर्च करना है साथियों, संस्कृत बाय राम सर, लगभग आपको साथियों 50 वीडियो छोटे मिलेंगे 15-20 मिनट के, उसमें पूरी संस्कृत व्याकरण आपकी कवर हो जाएगी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, समझ में यदि नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, सभी एकदम सरल संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है, सभी अच्छा लेवल है। आप वो एक वीडियो देखने के बाद अपने कोई भी आपके पास किताब हो उसको उदाहरण प्रश्न देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, लगभग आपके वहां से कवर हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसके अलावा कोई सवाल है, राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए, आपका इंतजार है, स्वागत है, ठीक है साथियों। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।